Hi you guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Pooja Chaudhary and I hope you are doing good. So in this video we are going to do short kurti haul, okay? So I have total of 15 kurtis and sari bahut zyada sundar sundar kurtis hain aur kafi time ho gaya maine kurti haul kiya bhi nahi tha, to main this is here guys. So without any further ado, let's get into the video. The first item we have इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम और सारे ही ना थोड़े से अफोर्डेबल हैं, लाइक अंडर 500 ही है. दो कुर्तीज़ है जो थोड़ी सी 500 से ऊपर है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी दोनों ही क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो, मतलब क्वालिटी के हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है. सो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम एंड दिस इज़ द कुर्ती. ओके, क्लोजअप में ऐसे करके यहाँ थर्ड फोर्थ स्लीव दी हुई है इसकी और ग्रेइश और ग्रीनिश वाला पैटर्न है. कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड कॉटन का फैब्रिक है और जो इसका प्राइस है वो है, मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो इसका प्राइस है 528. मीडियम साइज़ लिया हुआ है मैंने एंड 3/4 स्लीव है अगेन. और स्लीव में ना ये है, मतलब रूज करके, ये एडजस्टेबल नहीं है, बस ये ऐसे ही है. एंड वी नेकलाइन ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ है. एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ फास्ट. ये जो है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ है, ये वाला जो डिज़ाइन है, बाकी यहाँ पे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द कुर्ती एंड आई वुड रेट दिस 7/10. ओके, नाउ द सेकेंड कुर्ती वी हैव इज़ अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग. ओके, दिस इज़ द सेकेंड कुर्ती. बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी देर में ना सुकड़ जाएगी. जैसे अभी देख रहे हो, बस मैंने पहन के ऐसे ही रख दी थी और ये हालत हो चुकी है इसकी. एंड अगेन इसका भी प्राइस 500 से थोड़ा सा ऊपर है, लाइक 525 समथिंग है. एंड यहाँ पे ना ऐसे करके एम्ब्रॉयडरी कर रखी है एंड ये स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स है और अगेन यहाँ पर ये ना एडजस्टेबल है, लाइक वो है, इसमें रबर डाल रखी है जिससे एडजस्टेबल हो जाए. दिस इज़ द कुर्ती एंड ये ना मोर ऑफ टॉप लग रहा है कुर्ती की बजाय. दिस इज दिस एंड आई वुड रेट दिस 6/10, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइस के हिसाब से थोड़ी और अच्छी हो सकती थी ये. सो दिस इज, मैं थोड़ा सा इससे डिसअपॉइंट हूँ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती वी हैव इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइक दिस इज द कुर्ती. ओके, कैन यू सी, बहुत ज़्यादा म्यूटेड सा सॉफ्ट पिंक पिंक कलर है, लाइक दिस बेज के कैनवस पे लाइक पिंक कलर फ्लावर फ्लावर बना रखे हैं. एंड यहाँ से नारकली वाला पैटर्न है, यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है और वी नेक लाइन है इसकी और जो इसका प्राइस है वो है हमारा 323 रुपीज़ और मीडियम साइज़ लिया है मैंने. 3.7 स्टार दिए हुए थे, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, मतलब लड़कियों ने पहन पहन के डाल रखे थे और कपड़ा भी सॉफ्ट है, कॉटन का है, तो आप इजीली इसको पहन सकते हो. एंड जो इसकी नेक लाइन है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, लाइक सच्ची में सुंदर लग रही है. आप इसको जीन्स पर पहन सकते हो, आप इसको वाइट कलर के प्लाजोज पर पहन सकते हो, आप जैसे चाहो उसको वैसे पहन सकते हो. अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर और वर्सेटाइल लगी मेरे को. नेक्स्ट कुर्ती वी हैव इज अगेन चिकनकारी वर्क कुर्ती. एंड अब मैं थोड़ा सा बोर होने लग गई हूँ चिकनकारी कुर्ती से. अब नेक्स्ट टाइम से मैं चिकनकारी वर्क को बिल्कुल अवॉइड करूँगी, ठीक है? नो डाउट अच्छे लगते हैं, पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवरडू हो चुका है सब जगह. दिस इज़ द कुर्ती. ये मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि मेरे को ना देखने में मॉडल पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. एंड क्लोजअप ऐसे करके है, लाइक छोटे छोटे ना बिंदु दे रखे हैं रेड कलर के और ग्रीन कलर के, और रेड कलर का हमर काम हो रखा है तो अच्छी लग रही थी. एंड दिस इज़ द बैक और जो इसका प्राइस है ये भी 333 इसका प्राइस है और मीडियम साइज़ लिया है मैंने, कॉटन का फैब्रिक है और ब्लू कलर की जीन्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी. बस हल्की सी है, थोड़ी सी लॉन्ग है, जैसे सारी शॉर्ट कुर्तियाँ थोड़ी शॉर्ट होती है, ये हल्की सी लॉन्ग है, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलेगा, चल जाएगा. एंड क्वालिटी अगेन सुपर एंड काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छी लग रही है. एंड यू कैन गो फॉर दिस, आई वुड रेट दिस 9/10. ओके, दिस इज़ सच अ नाइस कुर्ती. नाउ द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज़ अ शीयर कुर्ती. मतलब शीयर है, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, लाइक दिस इज़ द कुर्ती. मैंने इसके नीचे, मेरे पास एक ट्यूब टॉप था वो पहना था एंड दिस इज़ द कुर्ती. ओके, फुल स्लीव्स है, फुल हैंड पे, मेरे को फुल हैंड स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. दिस इज़ द स्लीव्स. ओके, एंड
यहाँ पे ऐसे, और बैक पे भी थोड़े बहुत फ्लावर बना रखे हैं छोटे 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 से। एंड जो इसका प्राइस है वो है 337, जॉर्जेट का फैब्रिक है और मीडियम साइज़ लिया है मैंने। ये आप इजीली इसको कैसे भी कैरी कर सकते हो, अगेन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। आप चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा कैजुअल बना सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी बना सकते हो इसको, इट्स अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम दिस हॉल, विच इज़ दिस येलो, मल्टी येलो मतलब डुअल येलो चिकनकारी वर्क कुर्ती। दिस इज़ द स्लीव्स, अगेन मेरे को इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया ये डुअल टोन कलर। एंड दिस इज़ द कुर्ती एंड दिस इज़ द नेक, काफ़ी अच्छे से वर्क किया हुआ है, मतलब एक ही कलर का वर्क किया हुआ है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड दिस इज़ द हैंड्स एंड दिस इज़, ये ऐसे करके कुछ दिखेगी, ट्राई ऑन में देखना मेरे पे कैसी लग रही थी। मेरे को मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब यूनिक कलर लगा मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा। एंड जो इसका प्राइस है वो है हमारा 420, अ स्मॉल साइज में लिया है, रियन का फैब्रिक है। एंड बहुत सारे मल्टी कलर इसमें अवेलेबल है, लाइक ब्लू कलर भी है डुअल टोन में और शायद ग्रे भी देखा था मैंने, और एक दो होंगे जो कि मिलेंगे तो मैं लिंक कर दूंगी सारे डिस्क्रिप्शन में। और जो मैंने जीन्स पहन रखी है अगर वो भी मेरे को उसका भी लिंक मिलता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज अगेन चिकनकारी कुर्ती। आई नो थोड़ी सी दो तीन ज़्यादा हो गई है चिकनकारी कुर्ती। सो दिस इज़ द लेवेंडर चिकनकारी कुर्ती एंड दिस इज़ द नेक, स्लीव्स ऐसे हैं एंड दिस इज़ द बॉटम पार्ट। बैक पे बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है एंड कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, बट ये सारे सिकुड़ इसलिए रहे क्योंकि मैंने सारे ट्राई ऑन करने के बाद ऐसे ही भर दिए थे तो इसलिए सिकुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़े से इन पर रिंकल आ रहे हैं तो उसको माइंड नोट करना। एंड कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड जो इसका प्राइस है वो है 266 रुपीज़ लाइक, और मीडियम साइज़ लिया है एंड इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है, यू कैन गो फॉर दिस। एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी मेरे को पहनने के बाद भी, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो एंड आई वुड रेट दिस 8/10। एंड येलो वाली को मैं रेट करूँगी 10/10 क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। नाउ द नेक्स्ट कुर्ती इज़ अगेन पर्पलिश कुर्ती, विच इज़ दिस, आपने बहुत ज़्यादा जगह पे देखी होगी ये कुर्ती, काफ़ी मीशो पे तो मतलब ये ट्रेंड ही कर रही है ये समझ लो। दिस इज़ द कुर्ती, ओके, अनारकली कट एंड स्लीव्स, हल्की सी छोटी स्लीव्स है, लाइक फुल लेंथ हो सकती थी पर थोड़ी सी छोटी हैं मेरे हिसाब से। एंड एक सेकंड में पहन के देख लूँ, हाँ हल्की सी छोटी हैं, इतनी सी छोटी हैं मतलब। एंड दिस इज़ स्लीव्स, दिस इज़ द स्लीव्स और नेक लाइन, वी नेक लाइन भी बन सकती है इसको, आप चाहो तो राउंड नेक लाइन भी बना सकते हो। एंड दिस इज़ द कुर्ती, आप जीन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, वाइट प्लाजोज पे अगेन काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड जो इसका प्राइस था हमारा वो है 279 और इसमें दो तीन कलर्स और अवेलेबल हैं तो आप चाहो वो ले सकते हो। और रेयन का फैब्रिक है, 3.9 स्टार की रेटिंग दे रखी है, मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग दे रखी थी इसको, फोटोज़ भी डाल रखी थी तो अगेन आई एम वेरी इंप्रेस्ड। एंड कॉटन का फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है एंड आई वुड रेट दिस 9/10। ओके, द नेक्स्ट कुर्ती इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स विच इज़ दिस, आई रियली लाइक दिस बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड दिस इज़ द कुर्ती। ओके, ब्राउन का बेस है एंड ब्राउन के बेस पे ना लाइक ये येल्लो मतलब मस्टर्ड कलर एंड वाइट कलर की डिटेलिंग डाल रखी है। दिस इज़ द स्लीव्स, स्लीव्स पे भी यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर बना रखा है विच अगेन दिस एंड मतलब अनारकली स्टाइल में कुर्ती है, फ्लोई जीन्स के ऊपर काफ़ी अच्छी लगेगी एंड ब्लू जीन्स पे वाइट जीन्स पे अच्छी लगेगी। एंड जो इसका प्राइस है वो है हमारा 267 रुपीज़, ब्रो काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसको ले सकते हो। कॉटन का फैब्रिक है, मीडियम साइज़ है एंड एक दो कलर्स और अवेलेबल है, लाइक एक सेकेंड। एंड 3.9 स्टार अगेन इस, बहुत ज़्यादा सुंदर कुर्ती है, अगेन काफ़ी प्रिटी है। ओके, दिस इज़ द कुर्ती, यू कैन गो फॉर दिस एंड आई वुड रेट दिस सॉलिड 10/10। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर कुर्ती वी हैव इज़, मतलब जब ये स्क्रीन पे दिख रही है लाइक थोड़ी सी वाइटिश दिख रही होगी ना, जैसे वाइट कलर की कुर्ती है, पर शायद मेरे को दिखानी है कि ये कुछ ऐसे हल्की सी ग्रीनिश कलर नहीं लग रहा आपको, लाइक दिस इज़ द कलर, हल्का सा ग्रीन कलर है और उस पर ही बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन से एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर रखी है। एंड दिस इज़ द स्लीव्स,
यहाँ पे अच्छा खासा बॉर्डर दिया हुआ है, काफ़ी कूल लग रहा है। एंड दिस इज़ द नेक लाइन, यहाँ पे भी इसकी, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगी अपने ऊपर। दिस इज़ द कुर्ती, एंड कॉटन का फैब्रिक है, पीछे से ऐसे सिंपल डिज़ाइन है, आगे से भी ऐसे है। एंड आई वुड रेट दिस 10/10, आई लव दिस कुर्ती। अगेन 328, काफ़ी अफोर्डेबल है, स्मॉल साइज़ है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। अगेन वेरी गुड क्वालिटी कुर्ती एंड आई वुड रेट दिस 10/10। नाउ द नेक्स्ट कुर्ती इज़ अगेन अ डिसेंट कुर्ती आई वुड से, विच इज़ दिस कुर्ती। एंड यहाँ पे भी लाइक वाइट के बेस पे रेड और ब्लैक कलर का वर्क करके लाइक फ्लावर फ्लावर छोटे छोटे बना रखे हैं। एंड दिस इज़ द स्लीव्स, यहाँ पे पैपलम वाला डिज़ाइन दिया हुआ है ऐसे करके। एंड यहाँ पे ना ये दे रखे हैं, इसको मैं भूल गई क्या कहते हैं, लाइक टैसल, हाँ यहाँ पे टैसल लगा रखे हैं। एंड ये वाली डिटेलिंग की हुई है पूरे नेक पे, जैसा कि देख रहे हो ऐसे करके। एंड दिस इज़ द स्लीव्स, एंड ना यहाँ पे भी बॉर्डर पे भी यहाँ पे पैपलम टैसल्स डाल रखे हैं छोटे छोटे। एंड अनारकली स्टाइल है, काफ़ी प्रिटी लग रही है। एंड जो इसका प्राइस है वो 339, मीडियम साइज़ लिया है मैंने, 4.4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और इसमें तीन कलर्स और अवेलेबल है, लाइक दिस वन, एक मरून कलर अवेलेबल है और एक ब्लू कलर अवेलेबल है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो जा सकते हो। मैंने इसमें वाइट कलर की कुर्तियाँ थोड़ी कमाई है इसलिए मैंने वाइट मंगाया। ओके, एंड आई वुड रेट दिस 9/10। नाउ द नेक्स्ट कुर्ती वी हैव इज अगेन अ पिंक कुर्ती, बट दिस इज़ द कुर्ती। ओके, कैन यू सी, एंड बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं है, ना तो बॉर्डर है ना कुछ है, बस एक खाली प्रिंटेड कॉटन कुर्ती। एंड दिस सिंपल, बस यहाँ पे इसके गले पे ये वर्क कर रखा है, ये तो बैक है राइट, ये बैक है ना, एक सेकेंड, पता नहीं क्या बैक है, इतना सा ये गला है यार, मतलब इतना सा है, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया था उस दिन, मैंने क्लेचर भी लगा रखा था तो निकलना बड़ा मुश्किल हो गया इस गले में से। तो गला छोटा है, अगर जो छोटा गला, बहुत ज़्यादा छोटा गला प्रीफर करते हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं, बट मेरे को इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रही थी मैं इसमें। एंड दिस इज़ बेसिक है, काफ़ी प्रिटी है, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मेरे को गले पे से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। एंड थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लाइक यहाँ पे होता तो ज़्यादा अच्छा लग सकता था, पर नहीं, एकदम यहीं पे लगा हुआ है ये कट मार के, तो भाई मुझे मरना नहीं है। एंड स्मॉल साइज़ लिया है मैंने, ज़्यादातर मैंने साइजेस स्मॉल लिए हैं और किसी किसी में मीडियम साइज़ भी। ओके, एंड दिस इज़ द कुर्ती, एंड जिसका प्राइस है लाइक बेसिक 200 समथिंग इसका प्राइस है, हाँ 218 लाइक सबसे चीप इसका प्राइस है, 218 रुपये है सबसे सस्ती कुर्ती है। तो अगर आप मतलब गला, गले से आपको कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी प्रिटी है, 218 में काफ़ी अच्छी कुर्ती है आई वुड से। एंड आई वुड रेट दिस 6/10 बिकॉज मेरे को इसका गला अच्छा नहीं लगा। नाउ वी हैव लेफ्ट 1, 2, 3 कुर्तीज। नेक्स्ट कुर्ती वी हैव इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कैन यू सी, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट कुर्ती अमंग ऑल दीज कुर्तीज। ओके, अब ये सुखड़ गया है, बाकी दिस इज़ द स्लीव लेंथ, काफ़ी प्रिटी है। मेरे को पता है धोने के बाद ये छोटी हो जाएगी ऑब्वियसली, आप एक साइज़ बढ़ के लेना, मैंने स्मॉल साइज़ लिया हुआ है। एंड दिस इज़ द नेक लाइन, काफ़ी प्रिटी एंड बेसिक। एंड मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ, एक सेकेंड, दिस इज़ द कुर्ती, वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी मेरे को। एंड जो इसका प्राइस है, लाइक वो जो इसका प्राइस है, यह है 309 रुपये और कुछ स्मॉल साइज़ लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, आपने बहुत सारी जगह पर ये देख भी लिया होगा। एंड अगेन इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट कुर्ती एंड आई वुड रेट दिस 10/10, नो डिस्कशन गाइज। जीन्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। एंड मैंने ना लाइक छोटी सी बिंदी लगा रखी थी और ये वाले बाल अपने अंदर को कर रखे थे, टक ऐसा लग रहा था कि लाइक छोटे छोटे बाल है मेरे, पर दिस इज दैट। नाउ द नेक्स्ट कुर्ती वी हैव, दो ही कुर्ती लेफ्ट है उसमें से, विच इज़ अगेन अ रेड, अ मरून कुर्ती इनफैक्ट। दिस इज़ द नेक लाइन, वी नेक लाइन है एंड ये स्लीव्स है, काफ़ी ब्रॉड स्लीव्स हैं इसकी। दिस इज़ द, यहाँ पे लेस डिटेलिंग कर रखी है। एंड दिस इज़ द कुर्ती, सो दिस इज़ द कुर्ती एंड आई वुड रेट दिस 10/10। थोड़ा सा फ्रेम चेंज हो गया होगा एंड इसमें दो कलर्स और अवेलेबल है, लाइक ब्लू एंड मरून, आप जाओ जो चाहो ले सकते हो, मैंने मरून कलर लिया है। नाउ एक रेड कलर भी अवेलेबल है इसमें। द लास्ट कुर्ती वी हैव इज दिस, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, विच इज़ दिस कुर्ती, कैन यू सी। एंड इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, कपड़ा इज़ वेरी नाइस
एंड कॉटन का फैब्रिक है एंड यहाँ पे इलास्टिक दे रखी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा चुभे भी ना और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना लगे, इसलिए मतलब एल्बो तक की स्लीव्स है एंड यहाँ पे ये नेक कॉलर वाला नेक दे रखा है एंड ये क्या है यहाँ पे ना ये जो दे रखा है आप इसको अपने अकॉर्डिंग टाई कर सकते हो, लाइक चाहो तो इसको टाइट कर सकते हो, लूज़ कर सकते हो। इस अगेन मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट और ब्रीदेबल कपड़ा है एंड इसमें तीन कलर्स और अवेलेबल है, लाइक एक मस्टर्ड है, एक ब्राउन है, एक मिक्स कलर है एंड एक ब्लू कलर तो ये है ही, और कॉटन का फैब्रिक है, स्मॉल साइज लिया है मैंने एंड 4.4 स्टार की रेटिंग थी, 348 रुपीज़ इसका प्राइस है एंड प्लीज़ आप ये वाली कुर्ती और ये वाली कुर्ती को ज़रूर ज़रूर ले लेना क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर कुर्तियाँ। और मैंने अभी ये नोटिस किया जो 3/4 वाली स्लीव्स की कुर्ती होती है वो मुझे कम पसंद आती हैं और ज़्यादा मेरे को या तो फुल लेंथ की स्लीव्स हो या फिर यहाँ तक की एल्बो वाली स्लीव्स हो तो मेरे को ज़्यादा पसंद आती हैं। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो नॉट और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए एंड अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक अपना फेवरेट इमोजी छोड़ देना, लाइक जो भी आपका फेवरेट है, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो इमोजी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, आई लव यू गाइज, बाय, आई लव यू।